राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली जो चार राशियां हमारी हैं, धनु राशि, मकर राशि और जो है कुंभ राशि और मीन राशि, तो इन चार राशि वालों का कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अगर हम इनकी बात करें अगस्त के महीने की, तो बहुत सारे जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको पता ही रहता है कि क्या होता रहता है, और आपको इस पर पता है कि सावन जो है वो दो महीने का भी है, तो अगस्त के महीने में भी 31 अगस्त का सावन का महीना रहेगा, तो वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके सावन को भी बैलेंस करेंगे और आपके अगस्त के महीने में जो ग्रहों का गोचर होगा उसको भी जो है आपको मदद मिलेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के बारे में, धनु लगन वालों के बारे में। तो धनु लगन वालों की अगर मैं बात करूँ, तो पराक्रम भाव से आपके शनि का गोचर हो रहा है, आपके पंचम भाव में गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, अष्टम भाव में आपके सूर्यदेव और आपकी किस्मत में मंगल, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा, और यहाँ पर आपके 11वें भाव में केतुदेव आपके 11 गुना इनकम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब गुरु राहु का चंडाल योग जो आपके पेट को ख़राब कर रहा था, जो आपके हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था, जो आपके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें लेकर आ रहा था, या आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे तो उसके दिक्कत परेशानी कर रहा था, आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत कर रहा था, तो उससे आपको अब मिलेगी मुक्ति, क्योंकि गुरु और राहु जो है वो डिग्री वाइज जो है थोड़े से आगे खिसक गए हैं। यहाँ पर आपको अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कलेश की स्थिति आपको नहीं करनी है, अपनी छोटी छोटी बातों के पीछे, जैसे कई बार कार आपने गलत पार्क कर दी उसके चक्कर में आपकी लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसियों के साथ में आपकी तनातनी हो सकती है, तो कम बातचीत करने में ही भलाई है, क्योंकि शनिदेव आपको जो है यहाँ पर लड़वा भी सकते हैं। साथ ही साथ में आपके मंगल और शनि का जो है सम सप्तक योग भी बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके किस्मत में शुक्र, बुध और मंगल देव बैठे हुए हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आप अपने एनर्जी को सही प्रकार से यूटिलाइज़ करके अपनी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको जो है ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, इस प्रकार के आपके योगा योग बनने को बैठे हुए हैं। थोड़ी सी मान इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर परेशानी आ सकती है, लेकिन टेंशन ना करें, सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें और पेशेंस बना कर रखें। तो ये है धनु लगन वालों के लिए। और आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने मूली लेनी है और उसे किसी जमादार को देनी है, सफाई कर्मचारी को देनी है। अब मैं बात करूंगी मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मकर लगन वालों की जो पत्रिका है बहुत ही शानदार बन रही है। शनिदेव आपके दूसरे घर में बैठेंगे और आपके जो है गुरुदेव आपके 4थे भाव में, आपके गुरु चंडाल योग से आपको मुक्ति मिलेगी, और यहाँ पर गुरु राहु का जो योग आपके जो कर्म स्थान में केतुदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम काज को लेकर थोड़ी सी परेशानी और थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन अगर आप 10 अंधों को खाना खिलाएंगे या 10 मजदूरों को खिलाएंगे तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। स्पाउस के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, रिलेशंस को मजबूत बनाकर रखना है, और साथ ही साथ में थोड़ी सी खुशियों पर नज़रें आपकी लोगों की लगी रहेंगी, कि लोगों को अपने से कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में उन्होंने घुस कर देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये महीना आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साथ में रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा, थोड़ा सा बस जबान को संभाल कर रखना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। जबान पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जबान ही है जो हमें लाखों रुपये की इनकम करवाती है, और ये जबान ही है जो हमारे रिलेशंस को डिस्टर्ब कर देती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी, जैसे सीमेंट की बोरी हो गई, या जिसका मकान वगैरह बन रहा हो तो उसके मकान बनने में आप मदद कर सकते हैं, और जैसे सीमेंट की बोरी हो गई, कुछ ईंटें हो गई, वो आप किसी धर्म स्थान पर आप कुछ इन सब चीज़ों के लिए निर्माण करवाने के लिए अगर आप डोनेट करते हैं, तो आपके जीवन में वारे न्यारे होंगे और आपके खुद का मकान बनने के योग बन जाएंगे, जो भी अड़चने आ रही थी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो ये उपाय आपको यहाँ पर करना है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुंभ लगन में आपके शनिदेव जो है वो आपको पता ही है कि 5 जनवरी के बाद आ गए थे, और यहाँ पर वक्री हो रखे हैं, तो वक्री शनि आपको थोड़ा सा आपको मौका दिया है शनि ने आपके लिए, कि आपके पेंडिंग कर्मस को आप निपटा लें, जो चीज़ें आपकी रुक गई थी, अटक गई थी, वो आपको जो है थोड़ा सा परेशानी आपको अभी कम देंगे, लेकिन 4 नवंबर के बाद थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। मैं तो सभी कुंभ लगन वालों से शिकायत जिनकी रह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ये 2 महीने तो है पैसा कमाने के, लेकिन उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर गुरु राहु का चंडाल योग भी अब आपका थोड़ा सा ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, इनकम के रास्ते आपके जनरेट होंगे, और यहाँ पर सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में बैठकर आपको जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, बीमारी से आपको राहत और कर्जा चुकाने का
अवसर आपको मिल रहा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कर्जा चुकाना है या नहीं चुकाना है। आपके पास कुछ ना कुछ जो भी इनकम आपके पास आती है उसमें आप जो है मंगलवार वाले दिन आप कर्जा उतारना अपना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपने किसी से लाख रुपए ले रखे हैं तो उसका 10,000 रुपये दे दीजिए, 5,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए। तो इस प्रकार से मंगलवार वाले दिन अगर आप कर्जा उतारेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़ा मत करें और किस्मत को दोष मत दें कि किस्मत ने मुझे कुछ नहीं दिया। पराक्रम में राहु आपके बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर राहु आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देकर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको मौके पर चौका खुद लगाना है और किसी ऐसे अपने घर के आसपास किसी ऐसे कुत्ते को ढूंढना है जिसने अभी अभी बच्चे दिए हों। किसी बिच को आपने ढूंढना है जिसने अभी भी बच्चे दिए हों, उनकी सेवा अगर आपने कर ली तो आपके जीवन में वारे न्यारे होने से आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो यह आपका उपाय है। अगर आपको ना मिले ऐसा कोई डॉग ना मिले तो आपने क्या करना है कि किसी भी कुत्ते को आपने फीके बिस्किट जो है वो खिलाने हैं। जितना खिलाएंगे उतना आपके जीवन में तरक्की होती चली जाएगी। तो आखिरी राशि कौन सी है हमारी, मीन राशि है और मीन लगन है। राशि से देखते हैं तो राशि से देखिए, मीन लगन से देखते हैं तो लगन से देखिए। और यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और अपडेशन जो है आपको मिलती रहे। तो दर्शकों यहाँ पर मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपका गुरु राहु का चंडाल योग जो धन भाव में बना हुआ था और धन नहीं आ रहा था, तो अब धन के रास्ते आपके खुलने वाले हैं। धन आपके पास धड़ाम 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 खूब धनाधन धन आने वाला है। टेंशन ना करें। गुप्त शत्रुओं से आपको परेशान जो है वो थोड़ा से रह सकते हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन और मांगलिक कार्यों में थोड़ा सा विघ्न आपका हो सकता है। लेकिन अगला जो महीना है 17 अगस्त के बाद आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गाय को हरा चना अगर खिलाते रहेंगे या पालक खिलाते रहेंगे या हरी मूंग की दाल पक्षी को डालते रहेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार आप करते रहेंगे और आपके लिए बेनिफिट भी होगा। कोई मकान आपका बनने वाला है, मकान बनाने के नए योग भी आपके जो हैं बन रहे हैं, तो आपको जो है समस्या का समाधान और सॉल्यूशन पे आपको काम करना है। और दर्शकों अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हर कुंडली के ग्रह अलग होते हैं और हर कुंडली का क्या हिसाब होता है कि जौन से प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं उसके ऊपर से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं पर मंथ के उनका ट्रांजिट होता है। अगर आप डिटेल में कुंडली का एनालाइजेशन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके फुल कुंडली का डिटेल में एनालाइजेशन करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको हमें कुछ नहीं बताना कि आपको क्या समस्या चल रही है, हम बताएंगे आपको कि आपको क्या समस्या और उसका समाधान क्या है। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काल, जय माँ काली। राधे।